गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग मुझे इस ग्रुप में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। इससे पहले रीता टीचर जी ने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको दिया था, तो वो भी साइंस पढ़ाएंगी और मैं भी साइंस पढ़ाऊंगी। आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है 6A एंड B, यानी कि इसमें दो सेक्शंस में इसको बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए को जो है वो रीता टीचर जी पढ़ाएंगी और सेक्शन बी को मैं पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है सुष्मिता कुशल और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस के पूरे होल सिलेबस को। और इसमें कुछ वीडियोस मैं आपको बना के दूंगी, मतलब कुछ पार्ट इसके मैं आपको पढ़ाऊंगी और बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो रीता टीचर जी आपको पढ़ाएंगी, मतलब कुछ चैप्टर्स में और कुछ चैप्टर्स रीता टीचर जी। ठीक, तो सबसे पहले आप किस में हो, क्लास 6 में। और ये आपको जान लेना ज़रूरी है कि आपको पढ़नी कौन कौन सी चीज़ें हैं। आई होप आपके पास, सभी के पास अभी बुक तो अवेलेबल हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी जिनके पास अभी बुक्स नहीं है, ये मैंने टोटल होल सिलेबस को बोर्ड पर लिख दिया है, जिससे जिनके पास बुक नहीं है वो इस सिलेबस को समझ सके कि उनको आखिर साइंस में कौन कौन सी चीज़ें उनको पढ़नी है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसमें आप पढ़ोगे कि हम डेली लाइफ में विज्ञान ने हमें किस तरह से हमको हेल्प की है, हम विज्ञान द्वारा प्रदत्त किन किन वस्तुओं का उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल के द्वारा इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी। अभी जो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, ये क्या है, ये एक वर्चुअल टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है। तो ऑनलाइन टीचिंग ये भी तो एक तरह से साइंस की ही देन है ना। तो कुछ इन्हीं तरह की और चीज़ों के बारे में भी इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर और आपको जानने का मौका मिलेगा। तो पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, दैनिक जीवन में विज्ञान। दूसरा चैप्टर है होगा हमारा पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि पदार्थ को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी, अणु क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम क्या होते हैं दैट मीन्स परमाणु। उसके बाद है तीसरा, पदार्थों का पृथक्करण, माने अगर बहुत सारे पदार्थ एक तरह से मिश्रित फॉर्म में रखे हो तो हम उन पदार्थों को किस तरह से अलग करेंगे। अब जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा चावल में से कंकड़ को हम बीनते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को हम पृथक करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे ही और तरीकों के बारे में आप लोग जानने को आपको मिलेगा। उसमें से कुछ हमारे घरों में ऑलरेडी यूज़ होते हैं और कुछ उसमें से साइंटिफिक तरीके होंगे। तो तीसरा चैप्टर होगा पदार्थों का पृथक्करण। चौथा जो फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं और इसके अलावा विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न जलवायु में उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तंतु से वस्त्र तक, मतलब आपने सबको, आप सभी को पता होगा कपास से क्या मिलता है हमें, मतलब कपास के पौधे से हमें रुई प्राप्त होती है। अब उस रुई का यूज़ करके कैसे हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। जीव जगत बहुत बड़ा है, जीव जगत में आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जीवों में अनुकूलन है, मतलब जीव किस तरह से अपने को विभिन्न परिस्थितियों में ढालने में सक्षम हो पाए हैं वो आपको इसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद फिर हमारा जो 8th चैप्टर होगा वो होगा जीवों में, जो हमारा 8th चैप्टर है वो कौन सा है, जंतु की संरचना व कार्य। इसमें आपको बोन्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, सेल्स के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद जो 9th चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। फिर जो 11th चैप्टर है वो कौन सा होगा, मापन के बारे में। 12th चैप्टर कौन सा होगा, गति के बारे में। 13th जो चैप्टर है ऊर्जा, 14th प्रकाश, 15th वायु, 16th जल के बारे में, 17th कंप्यूटर। तो ये था आपका कुछ सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि ये सभी कुछ आपको साइंस की कॉपी में लिखना है। साइंस की कॉपी कैसी होगी, कुछ इतनी बड़ी सी,
मतलब साइंस की कॉपी का साइड आपने सबने देखा होगा, साइंस की जो कॉपी होती है वो एक साइड जो उसका पेज होता है वो कैसा होता है, इस तरह से लाइन वाला होता है ना, और एक साइड का जो उसका पेज होता है वो टोटली क्या होता है, ब्लैंक होता है। माने एक साइड का उसका वाइट पेज होता है और एक साइड में क्या होता है उसके इस तरह से लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं। तो आप लोग साइंस के सिलेबस की जब स्टार्टिंग करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना होगा, पूरी आपको अपनी विषय सूची को लिखना होगा। दैट मीन्स आपको ये तो पता चले कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और किस क्रम में आपको कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। जो व्हाइट वाला पेज होगा, मैं आपको बोर्ड पे जितना भी समझाऊंगी बताऊंगी उस चीज़ को आप अपने व्हाइट पेज पर लिखना, और अभ्यास के प्रश्न जब मैं आपको करवाऊंगी तो उसको आप लाइनिंग वाले पेज पर लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको अब लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा लेट ऑलरेडी आप लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है COVID-19 की वजह से, तो मैं नहीं चाहती कि फर्दर और ज़्यादा लेट हो। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दैनिक जीवन में विज्ञान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, किस तरह से उनको अपने यूज़ में लाते हैं, इसी की स्टडी हमको यहाँ पर अभी करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी नए नए प्रयोग हमें दिखने को मिलते हैं, जो भी नई नई चीज़ें हमको दिखने को मिलती हैं, वो कैसे आज हमारे सामने आई हैं, तो वो आई हैं उसके कुछ चरण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। सबसे पहले कोई भी वैज्ञानिक खोज करने के लिए हमारे मन में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब होता है कि क्यों होता है, ये कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको सर आइंजक न्यूटन की कहानी सुनाऊं, तो वो सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, अचानक से उनके सिर पर एक सेब गिर गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे ये चीज़ है ना, ये चौक है, ठीक है, इस चौक को जैसे ही मैं गिराऊंगी ये नीचे ही क्यों गिरता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, क्यों नीचे ही ये चौक क्यों गिरा। तो इसी क्यों को मतलब प्रश्न करना खुद से ही या दूसरों से भी, तो इसी को हम बोलते हैं जिज्ञासा। मतलब अपने मन में जो प्रश्न आते हैं अगर हम उनका उत्तर कभी कभी तो स्वयं निकालने की अगर हम कोशिश करें और हमें स्वयं उसका आंसर मिल जाए तो हम ऐसे साइंटिस्ट हैं, लेकिन अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं मिल पा रहा है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स भी उस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दे पाते हैं तो अपने टीचर्स के पास जाते हैं। आप सभी ऐसा करते होंगे, आप सभी अपने दिन भर में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप पूछते होंगे अपने माता पिता से, अब तक अपने टीचर से भी आपने पूछा होगा, और उम्मीद है कि आप उससे भी क्वेश्चंस पूछोगे। तो सबसे पहला वैज्ञानिक विधि का जो चरण होता है वो क्या होता है, प्रश्न करना, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। उसके बाद परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना का मतलब होता है कि खुद को सोचते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, उसका आंसर हम खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको सर आइज़क न्यूटन की कहानी को सुनाया कि जब भी कोई सेब नीचे गिरा तो उन्होंने उस सेब को देख के सोचा कि नीचे ही क्यों गिरता है, उसके संबंध में उन्होंने कुछ थ्योरीज को सोचा, तो वो थ्योरीज में उनकी जो थ्योरीज थी कुछ इस तरह से रही होंगी, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल आपको व्यू दे रही हूँ, कि हो सकता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य कर रही है और हर चीज़ को अपनी ओर खींच रही है, या ये भी हो सकता है कि वस्तु भारी है इस वजह से वो नीचे गिर रही है। तो समझ लो ये दो विचार उनके मन में आए। अब इन दो विचारों में कौन सा सही है, मतलब पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि हो सकता है पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है और हर वस्तु को अपनी ओर नीचे की तरफ खींच रही है, या हो सकता है कि ये सेब थोड़ा सा भारी है इसलिए वो नीचे की ओर गिर रहा था। यहाँ पर मैंने दो परिकल्पनाओं को सोचा। अब उन दो परिकल्पनाओं में से हम परीक्षण करेंगे कि कौन सी परिकल्पना मेरी सही है। तो तीसरा स्टेप हो जाता है वैज्ञानिक विधि का, परीक्षण करना। तो हम परीक्षण करके देखेंगे, तो परीक्षण में हमें यह दिखाई देगा कि हर चीज़, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्की हो, हर चीज़ क्या होता है, पृथ्वी की तरफ जाती है, पृथ्वी की तरफ ही हो जाके गिरती है। तो ये हमने क्या किया, परीक्षण में हमने इस चीज़ को देखा ना, मतलब परीक्षण में हमने निरीक्षण किया, परीक्षण के बाद हमने निरीक्षण किया, यानी जो हमारे व्यूज थे उसको हमने पुष्टि की, देख के कि हम भारी चीज़ को भी गिरा रहे थे तो भी वो नीचे गिर रही थी, हल्की चीज़ को भी गिरा रहे हैं तो भी वो नीचे की तरफ ही गिर रही है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि
भी एक मतलब चुंबक की भांति कार्य करती है और हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक, तो वही क्या होगा, हमारा सही होगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे, अभिलेखन मतलब क्या होता है, इसी चीज़ को हम लिख लेंगे। देन फिर इस पर हम और पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार मतलब केवल चौक से और किसी एक हल्की चीज़ को ही नहीं, बल्कि हम हर वस्तु को नीचे गिरा गिरा कर देखेंगे और अपने मतलब अपने जो भी हम मतलब जो भी हमारे पास अभिलेखन आए हुए हैं, जो भी हमने अपने लिखित निष्कर्षों को लिखा हुआ है, उस पर एक बार और हम उसको दोहरा के करेंगे पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए कि जो हमने सोचा है वो सही है कि नहीं। देन फिर हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, जो हमारी सोच है वो बिल्कुल सही है। और अगर सही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयोग हर एक्सपेरिमेंट एक ही बार में करें और सही हो जाए। अगर वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं होता है तो हम कुछ और दूसरे प्रयोग के बारे में सोचेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, नए प्रयोग करने लगेंगे, अपने मतलब अपने सोच को और विस्तार करने लगेंगे और कुछ सोचेंगे और उस पर फिर नए प्रयोग को करेंगे। तो सर आइंस्टीन न्यूटन को पता चला और उन्होंने ये बताया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर आरोपित करती है, जिसके कारण हर एक वस्तु क्या होती है, पृथ्वी की तरफ खींच कर पहुँच जाती है। तो ये जस्ट उनका एक निष्कर्ष था, किनका, सर आइंस्टीन न्यूटन का। तो इन्होंने इसको एक निष्कर्ष के रूप में लिखा। तो वैज्ञानिक विधि के क्या चरण हुए, सबसे पहला है क्वेश्चन करना, जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है परिकल्पना करना, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, उसके बारे में खुद ही थिंकिंग करते हैं। और परिकल्पना मतलब क्या होता है, कल्पनाएं करना, ठीक है ना, सोचना उस चीज़ को। तीसरा होता है जो हमने परिकल्पनाएं की है उसको टेस्ट करके देखना कि कौन सा हमारा सही है, उसको हम बोलते हैं परीक्षण। जब परीक्षण हमारा हो जाता है तो परीक्षण जब हम करते हैं तो परीक्षण के बाद हम क्या करते हैं, उसका निरीक्षण भी तो करते हैं। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा निरीक्षण। उसके बाद जो कुछ भी हमने निरीक्षण में हमको प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करते हैं, अभिलेखन करते हैं, दैट मीन्स उसको हम नोट करते हुए भी चलते हैं। फिर अपना जो भी हमारा मतलब जो भी हमने लिखी वो सही है कि उस पर एक बार और पुनर्विचार करते हैं और तरह तरह के प्रयोगों को एक बार दोहराते हैं। उसके बाद फाइनल हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अगर हमारा प्रयोग सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम फिर से उस चीज़ पर कुछ नया प्रयोग करने लगते हैं। तो इस वैज्ञानिक विधि के चरण को भी आपको अपने साइंस कॉपी के व्हाइट पेज पर पूरा पेंसिल से लिखना है। साइंस कॉपी के व्हाइट पेज पर आप अपने जितने भी काम करोगे सारे के सारे काम पेंसिल से करोगे। इज दैट क्लियर? तो आप सभी को ये बात मेरी क्लियर होगी और आई होप आपको आज का पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो और अगर सब कुछ क्लियर है तो आप अपनी कॉपी में लिखना और दिखा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।